हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एपिसोड। तो आपका स्वागत है आपके और आपके भाई के यूट्यूब चैनल माउंटेन नूट्स में। तो गाइस यार, अभी मेरी सुबह हो चुकी है, तो अभी सुबह के बज गए हैं 8। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ, लगभग 7:30 उठा था, और उसके बाद मैंने हाथ मुँह धोया एंड ब्रश ब्रुश किया। अभी प्रॉपर तरीके से मैं आ गया हूँ। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग अभी करते हैं स्टार्ट, तो अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस आज है वैसे काम मेरे पास, मटर भिजने को है। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि हमारे यहाँ पे पहाड़ों में खेती कैसे होती है, खेती बाड़ी किस तरीके से की जाती है, किस तरह से मटर बीजे जाते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि पहाड़ों में गोभी कैसे लगाते हैं, हम यहाँ पे मटर कैसे लगाते हैं, मटर निकालते कैसे, टमाटर कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। तो आज है वैसे हमारा मटर बीजने का प्लान, तो आज बीजेंगे हम मटर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़े से समय में, आप बने रहिए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, बने रहिए आप ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़े से समय में। तो गाइस यार, अभी मैं जा रहा हूँ मटर का बीज लाने मेरे मामा जी के घर, क्योंकि उनसे मटर का बीज मंगवाया था। तो मम्मी ने बोला कि जाके तू मटर का बीज ले आ तेरे मामा जी के वहाँ से, तो मैं अभी जा रहा हूँ मटर का बीज ले आने। तो चलिए अभी चलते हैं मामा जी के घर, तो दिखाता हूँ मैं आपको आज मेरे मामा जी का घर कहाँ पे है। ननिहाल मेरा वैसे गांव में ही है, तो उनका घर दिखाता हूँ मैं। तो चलिए गाइस, अब बने रहिए। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने मामा जी के घर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है मामा जी, यहाँ पे कुछ धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं। और ये है नानू अपने, नाना जी। नानू हाय करा, हाय हाय करा, हाय हाय करा, गजब बेइज्जती है। हाय करा, गजब बेइज्जती है। यहाँ देखो ये यहाँ पे स्नेहा और ये मोटू यहाँ पे सोया हुआ अभी। हेलो गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और शेयर करें। तो गाइस ये है मेरा छोटा भाई समीर नेगी, आप देख सकते हैं इसको। तो ये है मेरी बहन स्नेहा, ये देखिए झाड़ू मार रही है, मार वाला झाड़ू, कैसे झाड़ू निकालते हो समीर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है मटर। तो आज हमने बिजने हैं मटर, तो चलिए अभी फटाफट ले चलते हैं इनको घर की ओर। तो चलते हैं अभी घर, तो चलिए समीर जी चलो आओ मेरे पीछे, चलो आज करती हूँ ब्लॉगिंग। अब तो आज करेगा समीर ने की ब्लॉगिंग, चलो आओ हम जा रहे हैं परे परे गाँव में, हमारे यहाँ कुछ काम है, चलो आओ कम यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। अच्छा यहाँ से जाएंगे ऊपर, हाँ जी चलो चलो आओ। तो गाइस ये पहुँच गए हम गांव में, और ये मेरा घर, तो मेरे वहाँ थोड़ा काम है यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं कहीं, आप देख सकते हैं ये हमारा गांव। तो गाइस यहाँ देखिए अनिल यहाँ पे गोबर ढो रहा है बेचारा जैसा, हाय हाय बेचारा अनिल। तो गाइस यार अभी जा रहा हूँ मैं खेत को, ये जो तेल की कैनी है ना ये ले जानी है मैंने खेत, और उसके बाद जाना मैंने ट्रेलर लाने, क्योंकि जो मटर है ना वो बिजने है हमने ट्रेलर के साथ। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं फटाफट, कैनी को रखते हैं खेत में एंड देन चलते हैं उसके बाद ट्रेलर लाने। तो फिर ट्रेलर लाने के बाद ही मिलेंगे वापस खेत में, तब तक आप बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस फाइनली ट्रेलर हमने ला लिया है, फाइनली अभी ट्रेलर आपका पहुंच गया है खेत में। तो अभी अमित यहाँ पे ट्रेलर लगा रहा है, क्योंकि इसको मतलब कि हमने लाया है ट्रेलर लगाने के लिए स्पेशल, तो इसी का ये ट्रेलर भी इसी का है, हमारा अपना नहीं है। तो पहले क्या होता था ना यार गाइस, पहले बैल होते थे और हल होता था, हल लगा मतलब बैल लगाए जाते थे, हल के साथ खेतों को जोता जाता था। तो अब क्या हो रहा है कि अब बैल ख़त्म हो गए, हमारे पास बैल थे वो मर गए अभी और हमने नहीं लाए हैं, तो अभी हम ट्रेलर के साथ ही खेतों की बिजाई गुनाई जो भी रहता है ट्रेलर के साथ ही करते हैं। तो अभी पहले ट्रेलर के साथ इस खेत को जोतेंगे अच्छे से बढ़िया से, एंड उसके बाद हम मटर बीजेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेलर के साथ अभी अमित यहाँ पे कैसे खेत को जोत रहा है। तो गाइस ये रहा हमारा ट्रेलर, और ये अमित है, और अमित ट्रेलर अभी लगा रहा है, कुछ इस तरह से ट्रेलर लगाया जाता है।
पहले इस खेत को पूरे अच्छे से मतलब ट्रिलर लगाया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर मटर बीजेंगे और उसका फिर से एक बार ट्रिलर घुमाएंगे हल्का हल्का, तो आप देख सकते हैं। तो सारे प्रोसेस को मैं आपसे साझा करूंगा, जो भी आपका रहता है पूरी चीज़ में आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, आप देख सकते हैं। और अभी आप देखिए यार, इतना बड़ा खेत है, यहाँ से परे को है और यहाँ से ऊपर को है ना, ऊपर भी लगाना है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमने लगाना है। और ये देखिए पूरा कंप्लीट करना है, अभी ज़्यादा नहीं लगाया है, मतलब कि थोड़ा सा ही अभी लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लगाया है, इतना सा ही अभी लगाया है, इतना सा ही अभी जोता, जितना इसने जो ट्रिलर लगाया इतना सा एरिया अभी, तो अभी पूरा ये कवर करना है। और उसका हमने मटर भी बीच में है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रिलर लगाना है ना, ये इतना भी आसान नहीं होता है यार, काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टफ होता है, क्योंकि पूरा शरीर इसका हिलता है, मतलब तो मतलब कि पूरे बाजू में दर्द हो जाता है, मतलब कंधों में कुछ भी दर्द हो जाता है, इससे इतना ही आसान नहीं होता है लगाना, काफ़ी टफ होता है। तो चलिए आप यहाँ का, मैं अगर आपको व्यू दिखाऊँ सामने का, तो ये रहा यहाँ का व्यू सामने का, आप देखिए, आप इन्जॉय कीजिए इस नज़ारे को, इस सुंदर से दृश्य को, इस सुंदर से प्यारे से प्रकृति के इस नज़ारे को, तो आप देख सकते हैं। और सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ भी है, आप ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप इन्जॉय कर सकते हैं। वो रहे ऊपर मम्मी, तो गोबर को खिला रहे हैं यहाँ पे, गोबर हमें ला के रखा था खेत में, यहाँ पे जो ट्रिलर लगाना है। सो गाइस यार, ये जो आपसे नीचे घास दिख रही है ना बड़ी बड़ी, तो मैंने अभी करना है इस घास को साफ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फिर बाद में जब हम मटर बीजेंगे, जब मटर निकलेंगे, फिर जब निंदाई होगी ना, तो निंदाई के टाइम फिर दिक्कत नहीं आती है ना, फिर घास नहीं होता ज़्यादा। तो चलिए इसको करते हैं बड़े बड़े, जो ये घास है ना इसको करते हैं फटाफट साफ। तो चलिए गाइस, आप ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, तो मिलते हैं आपसे थोड़े से समय में। फर्स्ट टाइम मैंने आज ट्रिलर चलाया, तो इससे पहले मैंने कभी नहीं चलाया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो काफ़ी भारी होता चलाने को यार, काफ़ी ज़्यादा पेन होती है यहाँ से, शरीर थोड़ा वो हो गया, मतलब सुनसा हो गया ये, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक तो काम किया, मतलब काफ़ी टाइम अनटच था खेतों का काम, मतलब कि अभी
जो डंगा दिया पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बस वही था। और उसके बाद आज मैं ये खेतों का काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले कुल्लू में था, कुल्लू में तो खेतों का काम होता नहीं है। तो आज जब पहली बार ट्रेलर लगाया ना, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ट्रेलर चलाने का। तो मतलब अब दर्द भी हो रहा है यार, यहाँ से कंधे में और बाजू, मतलब बाजुओं में दर्द हो रहा है, बाजू मतलब बाजू सुन हो गया है। तो चलो अभी काम तो करना पड़ेगा, तो करते हैं अभी काम थोड़ी देर। मिलते हैं आपसे थोड़े से समय के बाद जब हम मटर बिजाई करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो वीडियो को लाइक शेयर और सुबह गाइस। अभी मैं गया था घर, मतलब खाना लाया मैंने सब पैक करके। तो अभी हो गया हमारा लंच टाइम, दिन के लगभग 2 बज गए हैं। तो सुबह से काम कर रहे थे, इतने में भूख तो ज़रूरी है। तो अभी हम कर रहे हैं लंच। तो अभी देखिए लंच में है आज चपाती, और ये है अखरोट, राई और सेब की चटनी, और अचार है, चाय विद घी, और ये मम्मी यहाँ पे, ये पापा और ये अमित। तो चलिए गाइस करते हैं लंच, तो मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। सो गाइस लंच करने के बाद अभी हम मटर बीज रहे हैं। मटर बीजने का जो प्रोसेस है वो हमारा कुछ इस तरह से रहता है, दो प्रोसेस रहते हैं। एक प्रोसेस मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, और एक जो हमारा प्रोसेस है वो इस वाले ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये फेंके जाते हैं मटर, और इसके ऊपर से फिर से एक बार ट्रिलर घुमाया जाएगा हल्का हल्का, ताकि ये जो मटर के दाने हैं ना ये मिट्टी के नीचे दब जाए। मतलब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर वन प्रोसेस हमारा ये रहता है मटर बीजने का। दूसरा मैं आपको कल बताऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें। तो अभी इसके ऊपर फिर से एक बार ट्रेलर घुमाया जाएगा धीरे धीरे, ताकि ये जो यहाँ पे है ना, ये देखिए यहाँ पे मटर का दाना है ना, ये है, और यहाँ पे ये देखिए, ताकि ये मिट्टी के नीचे आ जाए ऐसे, मतलब कि ऐसे दबने चाहिए मिट्टी के नीचे ऐसे, तब क्या होगा धीरे धीरे फिर यहाँ से ये निकलेगा, मटर का पौधा तैयार होगा फिर। तो आप कुछ इस तरह से की जाती है मटर की खेती हमारे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आप बने रहिए ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपसे थोड़े से समय के बाद। सो गाइस ये अंतिम पड़ाव है हमारा, यहाँ पे देखिए मटर तो यहाँ पे फेंके हैं, और अभी ये लास्ट बार इसके ऊपर ये फिर से ट्रेलर घुमाया जा रहा है, ताकि ये बीज मिट्टी के नीचे आ जाए प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ये रह रहे हैं, मतलब कि मटर का जो दाना है जहाँ पे ऊपर रह रहा है, उसको मैं फिर मिट्टी के नीचे दबा रहा हूँ अभी ये इसके साथ। तो चलिए गाइस करते हैं अभी यार फटाफट से काम अपना, एंड मिलते हैं आपसे उसके बाद, क्योंकि आज का ब्लॉगिंग तो ऐसे ही बहुत लंबा जा रहा है। तो अभी और भी काम पड़े हुए हैं, इसका घर जाना है, तो घर में भी काम होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़े से समय में, जैसे ये काम हमारा ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। सो गाइस यार फाइनली अभी एक वाले खेत में हमने कर दिया मटर बीज के कंप्लीट। तो अभी रहा हमारे पास एक वाला खेत, तो इसमें हम कल, तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला खेत, यहाँ पे हमने कर दिया है कंप्लीट बीज के, यहाँ से परे तक। तो अभी एक यहाँ जो ऊपर वाला खेत है ना गाइस, तो वहाँ पे रहे बीजने को, तो इसमें हम कल बीजेंगे, तो वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो चलिए गाइस अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अभी ये ट्रेलर मैंने पहुँचाना वापस जहाँ से लाया था, तो वहीं पे। तो मिलते हैं आपसे जब मैं घर आऊँगा, तो घर में, तो सीधा घर में ही मिलेंगे अब तो आपसे। सो है गाइस यार फाइनली आपको भाई अभी पहुँच गया घर में, तो अभी मैंने करना है रेस्ट, और शाम को है मेरे पास एडिटिंग करने को। तो चलिए गाइस अपने इस ब्लॉग को कर दूँ यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और हो सके तो वीडियो कीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।